डिफ्रैक्शन के अंदर अगर मान लो एक सपोज एक ये स्लिट है और ये एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट का कुछ पार्ट बिल्कुल सीधा गिरेगा एट पॉइंट ओ, जो पार्ट बिल्कुल सीधा गिरेगा उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ये वेव है और जो यहाँ से वेव आएगी, जो यहाँ से वेव आएगी एक यहाँ से और एक नीचे से, ये बिल्कुल इक्वल रास्ता कवर करेंगी और पार्ट डिफरेंस इसमें ज़ीरो होगा। सिर्फ यही नहीं, डिफ्रैक्शन में हम ये मानते हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज, एक सोर्स नहीं है, ये वेव फ्रंट एन नंबर ऑफ सोर्सेज से बना हुआ है और एन नंबर ऑफ सोर्सेज में अगर ये सोर्स एक लाइट को यहाँ भेजता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली लोअर हाफ में भी एक सोर्स है जो लाइट को यहाँ भेजेगा, तो पाथ डिफरेंस इसमें 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 क्या रहेगा, ज़ीरो। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। ओ पॉइंट को स्टडी करने का ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि ओ पॉइंट पे तो 101% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। प्रॉब्लम है कहाँ पर, पी पॉइंट पर, जो ये वाला पाथ है ये थोड़ा मुड़ जाता है, यहाँ पे थोड़ा मुड़ गया, मुड़ने से क्या हुआ, बेंड होने से क्या हुआ, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसने ज़्यादा बड़ा रास्ता कवर किया और इसने कम रास्ता कवर किया, ठीक है, तो देयर इज अ पाथ डिफरेंस। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, अगर दो वेव मेरे को दिखाई देती कि वेव हैं ही दो, फिर तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ दो वेव्स हैं, एक ने ये रास्ता कवर किया, एक ने ये रास्ता कवर किया, नीचे वाली वेव ने ज़्यादा रास्ता कवर किया और कितना ज़्यादा कवर किया, ए साइन थीटा, फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो हम बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा है और पाथ डिफरेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। यहाँ तक क्लियर है? तो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा पी पॉइंट कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेव फ्रंट है इसमें एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, या मेरे को खुद नहीं पता कितने सोर्सेज हैं, कितने हैं, 10 हैं, 15 हैं, 50,000 हैं, 2 लाख हैं, मालूम ही नहीं। तुम्हें क्या पता कि कितने नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। और जब एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, हर कोई अपनी अपनी वेव निकाल रहा है, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है, ये सोर्स अलग 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 वेव है, ये सोर्स, पता नहीं 50,000 है तो मैं इतनी वेव ड्रॉ भी कैसे करूं और मैं कैसे कंपटीशन करवाऊं ऊपर और लोअर, अपर और लोअर वेव्स का कि पार्ट डिफरेंस किसमें क्या होगा, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए डिफ्रैक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल है। इंटरफेरेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इंटरफेरेंस में हमें दो ही वेव्स गिवन होती हैं और दो वेव का पार्ट डिफरेंस वाई डी एस सी में ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हुए हैं। प्रॉब्लम है किसमें, डिफ्रैक्शन में, जिसमें एन नंबर ऑफ वेव्स हैं और दिखाई नहीं दे रही आगे क्या होगा। अब हमने ये फैसला करना है कि यहाँ पर पी पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए ये एक डायग्राम बना दिया, इसको समझना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है, वहीं से ली है मैंने सारी। इसमें ये बताया गया कि अगर आपके पास मान लो ये एक स्लिट है, ये क्या समझा रहा है डायग्राम, दो लाइन में समझो, ये आपके सामने एक स्लिट है जिसकी विड्थ क्या है, ए है, इस स्लिट की विड्थ ए है, इसमें एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और बहुत दूर यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से वेव्स ही वेव जाने वाली हैं जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर करेंगी। क्लियर है यहाँ तक? अब सपोज करो आपके पास यहाँ पर एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जो आपको खुद नहीं पता कि वो कितने हैं, तो आपने इसको समझने के लिए एक काम किया, आपने यहाँ पर कोई भी दो सोर्स ले लिए, एक अपर हाफ से और एक लोअर हाफ से, आपने पूरे वेव फ्रंट को दो हिस्सों में बांट लिया, एक अपर हाफ है और एक लोअर हाफ है, और कितने सोर्सेज हैं खुद नहीं पता, तो एक सोर्स आपने ऊपर ले लिया और एक सोर्स आपने नीचे ले लिया, कोई डाउट इसमें? और ये मान लिया कि इनके बीच में डिस्टेंस पता नहीं कितना है, लेट अस सपोज वाई है, इनमें डिस्टेंस वाई है, क्लियर है यहां तक? अगर ये डिस्टेंस वाई है और इसके पैरेलल ऑब्वियसली ये जो एंगल होता है ये थीटा एंगल होता है, ये थीटा एंगल पे बेंडिंग हुई हुई है वेव फ्रंट की, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो जो वेव यहां से जाएगी, जो वेव यहां से पी पे पहुंचेगी और जो वेव यहां से पी पे पहुंचेगी, इनमें पाथ डिफरेंस क्या होगा, वाई साइन थीटा, वाई साइन थीटा, कोई डाउट इसमें?
जो पाथ डिफरेंस होगा वो वाई साइन थीटा है। बिल्कुल वैसे ही अगर ये टोटल डिस्टेंस ए होता और ये जो एंगल है ये कितना है थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। किया था हमने पार्ट डिफरेंस, नीचे की वेव ऊपर की वेव से कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करती है ए साइन थीटा। पर प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये तो मुझे पता है कि अगर मैं सिर्फ वेव ये और ये लूं बस, फिर तो पार्ट डिफरेंस मुझे पता ही है कि ए साइन थीटा है। पर अगर मैं ये बोलता हूं कि पार्ट डिफरेंस तुम सिर्फ ए साइन थीटा ले लो, फिर आप मुझे ये कहोगे कि सर आपने सिर्फ दो ही सोर्स लिए हैं, एक आपने ऊपर लिया एक आपने नीचे लिया, बीच में कहाँ लिए, वो भी तो वेव सेंड कर रहे हैं, वो तो लिए ही नहीं। तो फिर आपकी बुक ये कहती है कि देखो एक काम करते हैं हम कोई भी दो सोर्स ये ले लेते हैं वाई और इनके बीच में ये एंगल है थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा वाई साइन थीटा, राइट वाई साइन थीटा। अब ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो आ गई वो वाई साइन थीटा है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो आपने सिर्फ दो ही सोर्स लिए, ऐसे पता नहीं कितने सोर्सेज होंगे, तो हर में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करोगे वाई साइन थीटा, फिर ऐसे फिर वाई साइन थीटा, फिर वाई साइन थीटा। प्रॉब्लम ये है अगर ऐसे 10 सोर्स होते वैसे 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल पार्ट डिफरेंस निकाल लेता, बात ही खत्म थी। मुझे तो खुद नहीं पता कितने सोर्स हैं। तो टोटल पार्ट डिफरेंस अगर हर वेव का हर वेव से निकालना है या हर सोर्स का हर सोर्स से निकालना है, इसके लिए और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन ही तरीका है कि आप छोटा एलिमेंट लेके उसे इंटीग्रेट करके टोटल पार्ट डिफरेंस निकालें। और ये काम पहली बार एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था फ्रेजनल। तो फ्रेजनल, दिस कैलकुलेशन वॉज मेड बाय फ्रेजनल यूजिंग इंटेग्रल कैलकुलस। उसने कहा था इंटीग्रेशन से उसने टोटल पार्ट डिफरेंस निकाल के दिखाया। सो वी ओमिटेड हियर, वो कह रहे हैं जी हम इसको छोड़ते हैं, हम इस चक्कर में नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी किताब में पढ़ लेना, ये लिखा है कि हम इस डीप कैलकुलेशन में पढ़ते नहीं है कि कौन स्लिट की इंटीग्रेशन करेगा बैठ के, तो उसको हम छोड़ देते हैं। पर वो आइडिया दे रहा है कि इस तरीके से पार्ट डिफरेंस को निकाला गया। तो अब हमारी मुसीबत तो फिर वहीं खड़ी है कि पी पॉइंट पे मैक्सिमा या पी पॉइंट पर मिनिमा, अब उसको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए एक आसान एक्सप्लेनेशन बना दी गई, थोड़ी ईजी एक्सप्लेनेशन बना दी। कि वो क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक, इसको एक बार देखते हैं। तो इसके अंदर आपने देखो आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, एनसीईआरटी कहती है मत करो तो छोड़ दिया हमने। तो आपने अब इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन मान लो पेपर में लिखने को आ गई, आप क्या करोगे फिर, आपने ऐसे करना है। तो अब ये टॉपिक स्टार्ट है जिसमें कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा को मैं डिस्कस करूँगा, और पेपर में जब आएगा तो आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आपने एक वेव फ्रंट लेना है, ये वेव फ्रंट है, ये स्लिट लेनी है, स्लिट की विड्थ ए लेनी है, पी पॉइंट पे जाके मिल रहा है वेव फ्रंट ये दिखाना है, और अगर ये ए है ये थीटा है तो ये ए साइन थीटा लेना है, मैंने दिखा दिया। स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस बड़ा डी लेना है, और स्लिट्स के बीच की जो विड्थ है वो छोटा ए लेना है। सारे डिस्टेंसेज सेंटर से मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस को एक्स लेना है। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। इसके बाद पोजिशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, कब पी पॉइंट पर मिनिमा बनेगा, कब पी पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा। अब मैं आपको एक और तरीके से समझाने जा रहा हूं जिसमें इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपकी किताब वालों ने और साइंटिस्ट लोगों ने एक इजी एक्सप्लेनेशन दी, वो इजी एक्सप्लेनेशन ये है कि सपोज करो जो आपने लिखनी है और समझनी है, तो आपने ये एज्यूम करना है कि मान लो आपके पास ये एक स्लिट है, ये स्लिट है, और ये आपके पास एक स्क्रीन है, यहाँ से ऑब्वियसली एक वेव जाएगी, यहाँ से वेव जाएगी, सिंगल स्लिट है, और मैं ये डायग्राम अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो विड्थ है ये ए है और ये थीटा है, तो पार्ट डिफरेंस क्या है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्लियर है यहाँ तक। अब पी पॉइंट पर ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर या तो मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर यहाँ पर मिनिमा का पॉइंट है, एक ही चीज़ होगी, या मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो मैं पहले ये डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर मान लो मिनिमा का पॉइंट है, पी पॉइंट पहले केस में क्या है, केस नंबर वन पी पॉइंट मिनिमा है, क्योंकि एक्चुअल में हुआ ये, एक्चुअल में तो एक्सपेरिमेंट पहले हुआ है और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देखते हुए मैक्सिमा मिनिमा को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें थ्योरी बना रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा और जिसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसके अंदर ये जो ऊपर की वेव और नीचे की वेव है, ऊपर और नीचे की सिर्फ, उसमें टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, ए साइन थीटा। ठीक है, दो अलग अलग सोर्सेज में अलग होगा, पर टोटल सभी मिला के आंसर क्या आएगा, ए साइन थीटा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, ये ज्यूम करना है, मान लो अगर मान लो ऊपर और नीचे के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, ठीक, लैम्डा हुआ, तो उस केस में आपने ये बोलना है कि होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स। होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स। आप ये इमेजिन कर लें, ये पूरी जो वेव फ्रंट है इसके दो हिस्से कर लें, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में पाथ डिफरेंस मान लो लैम्डा बाई टू है, दूसरे हिस्से का भी पार्ट डिफरेंस मान लो लैम्डा बाई टू है, इक्वल हिस्से कर लो। अब इक्वल हिस्से में ये मानो कि आधी वेव्स ऊपर से आ रही हैं, एन नंबर ऑफ सोर्स हैं, आधी वेव्स नीचे से भी आ रही हैं, तो इस वेव के कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे एक और वेव रही होगी जिसने कि क्या किया होगा, यहां पर एक दूसरे को कैंसिल किया होगा, और कैंसिल करने से वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होगी। मतलब आप इस पूरे वेव फ्रंट को दो हिस्सों में बांट लें, अगर टोटल पाथ डिफरेंस यहाँ पर लैम्डा है तो आपने लैम्डा बाई टू बांट लिया। अब क्योंकि ये पॉइंट लेट अस सपोज किसका आया, मिनिमा का, तो मिनिमा की ये एक्सप्लेनेशन दी लोगों ने कि यहाँ पर जितनी भी वेव्स आप मानेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे वाले हिस्से में भी उतनी ही वेव मान लेना, सच दैट ऊपर की और नीचे की वेव आपस में क्या कर रही है, वहां पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही होंगी, क्योंकि काउंट तो कर नहीं रहे कितनी वेव्स हैं हम तो, अब मुझे पता नहीं यहाँ 25 आ रही है, यहाँ 25 आ रहे हैं, मुझे क्या पता कितनी है, पर जितनी ऊपर है और जितनी नीचे हैं वो 100% आपस में ऐसे कैंसिल कर रही होंगी कि वहां पर पक्का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा होगा। तो इस केस में वो मिनिमा का पॉइंट है। लेकिन अगर मान लो ये पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, अब 2 लैम्डा। तो अब आपने बोलना है कि होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू, ऐसे। तो 4 इक्वल हिस्सों में बांट दें, 1, 2, 3 और 4, इनमें लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, क्योंकि ये पॉइंट फिर से किसका है, मिनिमा का। तो लैम्डा बाई टू की वेव्स में पक्का नीचे लैम्डा बाई टू की वेव्स के कॉरस्पॉन्डिंगली नई वेव जरूर हुई होंगी जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, और सिमिलरली यहां और यहां की वेव ने भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस किया, जिस वजह से ये पॉइंट फिर से किसका आया, मिनिमा। अब किसी ने ये पूछा कि अगर ये पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, 3 लैम्डा। अब तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई कि पूरे वेव फ्रंट के अब आप 6 हिस्से कर लो, लैम्डा बाई टू, 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 हर लैम्डा बाई टू दूसरे लैम्डा बाई टू की वेव को काटे जा रहे हैं, और दूसरा लैम्डा बाई टू तीसरे को काट रहे हैं, और चौथा पांचवें को काट रहे, पांचवा छठवें को काट रहा है, तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा है। तो यानी कि ये कंडीशन बना दी गई कि अगर ए साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, एन लैम्डा, तो ये कंडीशन किसकी कहलाई जाएगी, मिनिमा की। तो मिनिमा की कंडीशन है इसमें ए साइन थीटा एन लैम्डा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा पे क्या देखा गया, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखी गई। लेकिन अब किसी ने पूछा सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये एक्सप्लेनेशन दी गई, मान लो ये पॉइंट अब किसका है, मैक्सिमा। अब मैं क्या केस डिस्कस करने वाला हूँ, मैक्सिमा। तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा का जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, वो कहता है अगर ये ए साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2 हुआ, तो आप इस पूरे वेव फ्रंट के 3 इक्वल हिस्से कर लो विद अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू, पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू। ये हिस्से की वेव इस हिस्से की वेव को क्या कर गई, कैंसल। पर इस हिस्से को कैंसल करने के लिए कोई दूसरा हिस्सा था नहीं, इसलिए इसने क्या कर दी वहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए वहां पर मैक्सिमा आया। लेकिन अगर किसी ने कहा कि अगर ए साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, 5 लैम्डा बाई 2, तो कहते हैं पूरे वेव फ्रंट में ये मान लो कि इसमें बहुत सारी एन नंबर ऑफ वेव्स हैं, और आप इसके 5 इक्वल हिस्से मान लो, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू एंड लैम्डा बाई टू, 4 लैम्डा बाई 2 के हिस्से आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गए, और पांचवा फिर जो है अनकैंसल्ड रह गया, तो जिसने वहां पर लाइट को फेंका और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई।
तो फिर कंडीशन क्या बनी, मैक्सिमा की कंडीशन ये बनी कि ए साइन थीटा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, देखो ऑड मल्टीपल, YDSC में 2n माइनस 1 यूज करते थे और डिफ्रैक्शन में 2n प्लस, फर्क कोई नहीं पड़ता, YDSC में नंबरिंग n इज इक्वल टू 0 से 1 से स्टार्ट थी, इसमें n की नंबरिंग 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, इतना की फर्क है, नहीं तो 0 से नहीं करेंगे तो 1 से कर लो, क्योंकि पहला 3 लैम्डा बाई 2 कम से कम चाहिए चाहिए, 0 पे बात नहीं बनेगी, लैम्डा बाई 2 का कोई मल्टीपल नहीं है, कम से कम 3 लैम्डा बाई 2 चाहिए, तो 1 से शुरू करेंगे, पर इसमें डिफ्रैक्शन में 2n प्लस 1 यूज करते हैं ताकि लैम्डा बाई 2 ना आए, कम से कम 3 लैम्डा बाई 2 तो आए आए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पूरे वेव फ्रंट के हिस्से तो बांट रहा है, वो तो हमें पता है कि हिस्से बंट रहे हैं, पर लैम्डा बाई 2 ही क्यों बांट रहा है, लैम्डा बाई 4 क्यों नहीं कर रहा, लैम्डा बाई 6 के इक्वल हिस्से क्यों नहीं कर रहा, लैम्डा बाई 10 के क्यों नहीं कर रहा, लैम्डा बाई 2 के क्यों कर रहा है, ये क्यों थ्योरी बनी, क्योंकि क्योंकि लैम्डा बाई 2 में लैम्डा कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, लैम्डा बाई 2 कॉरस्पॉन्ड्स टू पाई, और पाई का मतलब क्रेस्ट और ट्रफ में फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई, ताकि पूरा क्रेस्ट पूरे ट्रफ के ऊपर गिर जाए और आपस में पूरी वेव कैंसिल हो जाए, इसलिए लैम्डा बाई 2 यूज करते हैं। तो इसलिए होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो ये थ्योरी बनाई गई। अब एक्चुअल में जो हमने YDSC किया था उसमें बहुत क्लैरिटी है, उसमें तो मैंने बिना थ्योरी के ही बिना साइन कॉस की बोर्ड पे करके दिखा दिया था कि कैसे एल लैम्डा पे मैक्सिम है और कैसे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे मिनिम है, इसके अंदर आप देख नहीं पा रहे, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी बनानी पड़ रही है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इसमें इतने नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, इतनी वेव्स हैं, इतनी वेव्स हैं कि मैं उसको मैथमेटिकली सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको ये थ्योरी आसान थ्योरी बना के दी गई। तो एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि YDSC में अगर याद हो, YDSC के अंदर हम क्या करते थे, इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते थे और ये पॉइंट क्या होता था, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद मान लो ये क्या होता था, फर्स्ट मिनिमा, फिर क्या होता था, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, ये वर्ड यूज करते थे। डिफ्रैक्शन में ऐसे यूज करते हैं, डिफ्रैक्शन में ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट है और ये डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल पॉइंट को तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट ही बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी मैक्सिमा, प्राइमरी का मतलब सेंट्रल पॉइंट होता है, प्राइमरी या प्रिंसिपल मैक्सिमा एक ही बात है। फिर आप कहोगे फिर बाकी मैक्सिमा क्या होते हैं, जो यहां पे मैक्सिमा आएगा फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, फिर आपके पास कोई सेकेंड मैक्सिमा भी आएगा, इसके आगे वो जरूर लगाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, पर प्राइमरी कभी नहीं लगाएगा, प्राइमरी का मतलब सेंट्रल पॉइंट है। तो आप नोट करना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसे लिखा होगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, आपको कैसा प्राइमरी मिनिमा क्या होता है, होता ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी में हमेशा कौन होता है, सेंटर पॉइंट होता है, सेंट्रल पॉइंट प्राइमरी ऑक्यूपाई करता है, सेकेंडरी बिल्कुल भी नहीं करता, क्लियर है यहां तक। तो सेंट्रल पॉइंट को प्राइमरी बोलते हैं और बाकी सारी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी होता है। तो इसलिए आप नोट करें, जब आपने डायग्राम बनाना है इस वक्त और आपसे पूछेगा कि मिनिमा की कंडीशन लिखो, इसमें अकेला मिनिमा नहीं बोलते, इसमें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मिनिमा, मतलब प्राइमरी को डिस्कस मत करो, वो तो मुझे पता ही है कि वहां पे ब्राइटनेस आएगी, प्राइमरी के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पर ब्राइटनेस आएगी उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्स मिनिमा, या जो डार्कनेस आएगी तो सेकेंडरी मिनिमा, प्राइमरी मिनिमा तो होता ही नहीं है। तो आपने इसमें क्या लिखना है, मिनिमा कहां कहां मिनिमा आएगा, तो आपने ये लिखना है कि पाथ डिफरेंस दो वेव्स का क्या लेना है डायग्राम से, ए साइन थीटा, अगर ये ए साइन थीटा पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, लैम्डा, होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव फ्रॉम ए एंड सी लैम्डा बाई 2 एंड लैम्डा बाई 2 के दो आपने इसमें इसको डिवाइड कर लिया वेव फ्रंट को, देयरफॉर फॉर एवरी पॉइंट इन अपर हाफ ऑफ वेव फ्रंट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ में बराबर पॉइंट है जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो पी पॉइंट को क्या बोलेंगे, कौन सा पॉइंट है, सेकेंडरी मिनिमा का, फिर कैंसिलेशन हो पा रहा है। उसी तरीके से अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा
तो इसमें चार मल्टीपल बनेंगे लैम्डा बाई फोर के, जो आपस में कैंसिल करेंगे, तो ये पॉइंट भी मिनिमा का है, तो ये पॉइंट क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। और इन जनरल कंडीशन क्या बनेगी कि अगर पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा किसके इक्वल है, एन लैम्डा, तो मिनिमा की कंडीशन है। जबकि वाई डी एस सी में पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा पे कौन सी कंडीशन होती थी, मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में क्या बन जाती है, यही कंडीशन, मिनिमा। उल्टा हो गए, फॉर्मूले उल्टे हो गए। तो वाई डी एस सी में एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन में एन लैम्डा पे पार्ट डिफरेंस इक्वल टू मिनिमा। तो लिख लो फॉर्मूला कि सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन है पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर्मूला रजिस्टर में डिफ्रैक्शन की हेडिंग डाल लो, डिफ्रैक्शन के अंदर मिनिमा की कंडीशन है ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक, ठीक है, तो ये एन लैम्डा। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या डिस्कस करना है, सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा कौन से पॉइंट होते हैं, जो सेंटर नहीं होता। सेंटर को डिस्कस मत करो, इसके अलावा जो भी मैक्सिमा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो आपने क्या लिखना है, अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो होल वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल हाफ विद पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2। तो दी पार्ट डिफरेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स लैम्डा बाई 2 विल गिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो थर्ड पार्ट है विद पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 वो अनयूज होगा और वो क्या शो करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 5 लैम्डा बाई 2 के ऊपर भी क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो कंडीशन लिख लो ए साइन थीटा अगर 2n प्लस इनटू लैम्डा बाई 2 है तो ये कंडीशन किसकी कहलाएगी, कौन सी इंटरफेरेंस है, या ये कौन सा पॉइंट है, मिनिमा का। हाँ, सेकेंड होगा। एन इज इक्वल टू 1 पुट करो तो फर्स्ट मैक्सिमा होगा 3 लैम्डा बाई 2, 2 पुट करो 5 लैम्डा बाई 2 सेकेंड होगा। ऐसे पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो कंडीशन लिख ली। और ये कंडीशन बिल्कुल रिवर्स हैं, उल्टी कंडीशंस हैं वाई डी एस सी के। उसमें एन लैम्डा पे मैक्सिमा होता है, इसमें मिनिमा होता है। इसमें ऑड मल्टीपल पे मैक्सिमा है, उसमें ऑड मल्टीपल पे मिनिमा है। पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कंडीशंस क्लियर हैं। नेक्स्ट,